इतना ज्यादा से ज्यादा हर किसी से हेल्प नहीं मांग सकता हूँ, मांगता नहीं। अर्थात यह है कि मांगना तब पड़े, हेल्प किसी से मांगने तब पड़े जब जिंदगी दांव पर लगी हो, जब कोई चारा नहीं है, प्रैक्टिस करने के बाद भी चारा नहीं है, यानी कि अब कोई रास्ता नहीं है, न यहां से मिल रहा, न यहां से मिल रहा, न यहां से मिल रहा। ईश्वर 10 दरवाजा खोलता है मेरे लिए, लेकिन 10 में से 10 के 10 दरवाजे मैंने अप्लाई कर दिए, एक को छोड़ के 10 के 10 दरवाजे अप्लाई कर दिए, फिर भी ढक्कन लग रहा है, तब जाके हेल्प मांगनी पड़ेगी, वो दूसरी बात है। लेकिन उनका ये सिचुएशन कभी आती नहीं है। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि ऐसी स्थिति मेरे पास कभी आई नहीं, क्योंकि उसका रिस्पांस मुझे 2 दिन में 4 दिन में जिसकी जरूरत होती है, मुझे जहां हेल्प मांगने की जरूरत होती है, वो 4 दिन में 5 दिन में 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद रिस्पांस मिल जाता है उसका कहीं ना कहीं से। यानी कि मेरे को ये अभी चाहिए, ये नहीं है कि यानी कि ये काम मेरे को अभी करना था, यहाँ पे अटक चुका हूँ मेरी जिंदगी, या ये मेरा काम रुक चुका हो तो मैं वहीं पे छोड़ के दूसरा काम में निकल जाता हूँ, दूसरा काम पकड़ लेता हूँ, दूसरे काम में सक्सेस, दूसरे काम में दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा सक्सेस हो जाता है। पर लेकिन 10 के 10 दरवाजे बंद नहीं होते मेरे लिए, उसका मानना यह है। अब ये समझ में नहीं आता मेरा, आप लोगों को आप समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि वो स्मार्ट वर्क करता है कि हार्ड वर्क करता है। अब उसके लिए ये स्मार्ट वर्क है या हार्ड वर्क है, अब उसके लिए स्मार्ट करना जरूरी है, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है या हार्ड वर्क करना जरूरी है, ये कौन सा वर्क है जो कर रहा है अभी प्रेजेंट में, ये कौन सा वर्क है ये। चलो मैं आज मैं आपको जबरदस्त मजेदार एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को। ये मेरी प्रिय दोस्त, सेम टू सेम मेरे जैसा लगता है, जैसे मैं दिखाई दे रहा हूं ना कैमरे के सामने, आपको सेम वैसे ही लगता है वो मेरा, यानी कि मेरा ऐसा लगता है कि मैं जिगर का टुकड़ा है। अब क्या बोले, अब शक्ल मिलती है, यानी कि हर चीज में दिखाई देता है। तो चलो उसके बारे में ज्यादा वो नहीं करने हुए, पर उनकी एक स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। इस पर मुझे, क्योंकि मुझे इस बात का स्मरण हो रहा है कि यार मैं इसका रिस्पांस नहीं दे सकता हूं उनको, क्योंकि मेरे समस्या से भी बाहर है, मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि सही है कि गलत है। मेरे को भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि सही है कि गलत है, या कैसे ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं क्योंकि खुद ही कभी कभी या खुद ही उसी स्थिति में हूं मैं। तो स्टोरी यह है, आप ध्यान से सुनो यार मेरे साथ थोड़ा, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनो ये कहानी। ये कहानी है, मेरा दोस्त है, उसका नाम है रामू, डेंजर रामू सिंह। तो बहुत ईमानदार, सुशील, हैंडसम लड़का है। तो वो क्या किया उन्होंने, वो उन्होंने बचपन से, आज हमारे एज का है, तो उन्होंने बचपन से ही या कुछ, हर आदमी के, हर पीपल्स के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं कि मैं इस नियम को अपनाऊंगा, इस धर्म को अपनाऊंगा, या इसलिए करना मेरे लिए सही है या गलत है, ऐसे ऐसे नियम बना के रखते हैं बचपन से। तो उनका भी ये सपना था, उनका भी एक नियम था, सॉरी नियम था, वो ये नियम को फॉलो करती थी बचपन से कि दूसरे से हेल्प मांगना, दूसरे से आवेदन करना, विनती करना, दूसरे को कष्ट देना, अर्थात यह होगा कि मैं, पहला उत्तर इसका ये था उनका कि इसका मतलब मैं
मेरे को कुछ नहीं आता, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं सीखना नहीं चाहता हूँ, उनका पहला उत्तर था ये। दूसरा उत्तर ये था उनका कि मैं जब तक सीखूं नहीं, करूं नहीं, चाहे मेरे को 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, प्रैक्टिस नहीं करूं खुद जाके, तब तक मुझे भी पता नहीं होने वाला इसका हल क्या होगा, कैसे उत्तर मिलेगा मुझे। और तीसरा उत्तर इनका ये था कि यार मैं इतना ज्यादा से ज्यादा हर किसी से हेल्प नहीं मांग सकता हूँ, मांगता नहीं। अर्थात ये है कि मांगना तब पड़े, हेल्प किसी से मांगने तब पड़े जब जिंदगी दांव पर लगी हो, जब कोई चारा नहीं है, प्रैक्टिस करने के बाद भी चारा नहीं है, यानी कि अब कोई रास्ता नहीं है, न यहाँ से मिल रहा, न यहाँ से मिल रहा, न यहाँ से मिल रहा। ईश्वर 10 दरवाजा खोलता है मेरे लिए, लेकिन 10 में से 10 के 10 दरवाजे मैंने अप्लाई कर दिए, एक को छोड़ के 10 के 10 दरवाजे अप्लाई कर दिए, फिर भी ढक्कन लग रहा है, तब जाके हेल्प मांगनी पड़ेगी, वो दूसरी बात है। लेकिन उनका ये सिचुएशन कभी आती नहीं है, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि ऐसी स्थिति मेरे पास कभी आई नहीं, क्योंकि उसका रिस्पांस मुझे 2 दिन में 4 दिन में जिसकी जरूरत होती है, मुझे जहां हेल्प मांगने की जरूरत होती है, वो 4 दिन में 5 दिन में 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद रिस्पांस मिल जाता है उसका कहीं ना कहीं से। यानी कि मेरे को ये अभी चाहिए, ये नहीं है कि यानी कि ये काम मेरे को अभी करना था, यहाँ पे अटक चुका हूँ मेरी जिंदगी, या ये मेरा काम रुक चुका हो तो मैं वहीं पे छोड़ के दूसरा काम में निकल जाता हूँ, दूसरा काम पकड़ लेता हूँ, दूसरे काम में सक्सेस, दूसरे काम में दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा सक्सेस हो जाता है। पर लेकिन 10 के 10 दरवाजे बंद नहीं होते मेरे लिए, उसका मानना यह है। चौथा उनका ये था, चौथा मानना था उनका, क्वेश्चन था कि लोग क्या कहेंगे जिनसे मैं हेल्प मांगूंगा, क्या पता वो पहले थॉट में जिनसे मैं हेल्प मांगूंगा, क्या पता वो पहले थॉट में नेगेटिविटी हो भरी हुई, या नेगेटिव अवस्था में हो, क्रोध अवस्था में हो, मेरे को डांट दे, मेरे को रिस्पांस दे दे भाई कि मैंने इस काम को, इस वर्क करने को, इस जो हेल्प मांग रहा है आज, इसको करने में मेरे इतने दिन निकल चुके हैं, इतने साल, इतने महीने निकल चुके हैं, तेरे को तूने अभी 2 घंटे भी नहीं हुए, 1-2 दिन भी नहीं हुए, तेरे को मैं ऐसे कहाँ मिलता है रिस्पांस जल्दी, इतना कहाँ सिखाता, कौन सिखाता है, इतना हेल्प कौन देता है। उसका मानना ये भी था, उसका आंसर ये भी है कि नहीं साहब, क्या पता है, ये भी कोई बता दे मेरे को, ये बोल दे, इसके कारण भी वो दूसरों से हेल्प नहीं मांगते थे। पांचवी ट्रिक, पांचवा ये था उनका, पांचवा ये था उनका मेन टॉपिक कि अगर वो मैं हेल्प मांगता हूं किसी से, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, मैं हेल्प मांगता हूँ किसी से, सारे दरवाजे मतलब पहली समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर मैं हेल्प मांगता हूँ किसी से तो वो तो खैर कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, बोला अच्छी बात है, उन्होंने हेल्प मांग दे दी, दूसरे दिन में मेरी समस्या यही उत्पन्न होगी तो मैं हेल्प मांगनी पड़ेगी, तीसरे दिन में मांगनी पड़ेगी, तो क्या पता ये मेरी हैबिट बन जाए, ये मेरी हैबिट बन जाए दूसरों से हर टाइम, एवरी डे, हर चीज वर्क के लिए मुझे हेल्प मांगने की। उनका आंसर ये भी था, उनका मानना ये भी था, उनका क्वेश्चन ये भी था कि मेरी हैबिट बन जाए, एक दिन लोग ऐसे सुना ले मेरे को कि भाई साहब तुम कुछ नहीं करते हो, या फिर इससे मेरे को सीखने को नहीं मिलेगा। कई ऐसे कारण है, कई ऐसे एग्जाम्पल है उनके, मेरे भाई के,
अब आप समझ गए होंगे वो मेरा कौन सा भाई है और कौन सा मेरा दोस्त है रामू। अब ये समझ में नहीं आता मेरा, आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो स्मार्ट वर्क करता है कि हार्ड वर्क करता है। अब उसके लिए ये स्मार्ट वर्क है या हार्ड वर्क है, अब उसके लिए स्मार्ट करना जरूरी है, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है या हार्ड वर्क करना जरूरी है, ये कौन सा वर्क है जो कर रहा है अभी प्रेजेंट में, ये कौन सा वर्क है, ये काम करना उसके लिए उचित है या अनुचित है, ये बताओ कमेंट बॉक्स में डालो यार, बताओ यार। क्योंकि ऐसी अवस्था में ऐसी उस पर मैं कंफ्यूज हूँ यार, ऐसी परिस्थिति में भी मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या रिस्पॉन्स दूँ। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस हो। तब तक के लिए ये वीडियो देखो आप डिटेल में, मिलता हूँ फिर तब।